हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दी चैनल। तो कैसे हैं आप सभी, होप करता हूं आप सब अच्छे होंगे। तो बात करते हैं आज बाइक के बारे में, जो कि है एप्रिलिया ट्वानो 125। जी हां दोस्तों, एप्रिलिया ने अपनी जो इंडियन वेबसाइट है उस पर इस बाइक को लिस्टेड किया है, मतलब ये आप लोगों को बाइक बहुत जल्द मिलने वाली है, तो जो आप लोगों के लिए बहुत अच्छी बात है। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि हमारी वेबसाइट आ गई है। अगर आपको कोई भी नोटिफिकेशन चाहिए YouTube से भी पहले, तो यार आप लोग www.onepiston.com पे जाके सर्च कर सकते हो, आपको इस YouTube से भी पहले सब चीज़ की नोटिफिकेशन वहाँ पर मिल जाएगी। तो वीडियो ज़्यादा बड़ी ना करते हो, चलो बात करते हैं इसी बाइक के बारे में। Aprilia एक इटालियन बाइक मेकर कंपनी है। बेसिकली इसने सुपर बाइक तक भी बनाई है, RSV4 अगर आप लोग जानते हो, अगर बाइक लवर हो तो। जब इतनी बड़ी बाइक बना रखी है तो आप लोग सोच सकते हो कि 125 में भी काफ़ी अच्छी रिफाइनमेंट, काफ़ी अच्छा माइलेज आप लोगों को बाइक में मिल सकता है। तो बात करते हैं इसी बाइक के बारे में। 124.2 cc का सिंगल सिलेंडर SOHC लिक्विड कूल सिंगल सिलेंडर इंजन मिलेगा, जो कि फ्यूल इंजेक्टेड BS6 कंप्लाइंट इंजन होगा, जो कि आप लोगों को पावर प्रोड्यूस करके देने वाला है 15 bhp का और 11 न्यूटन मीटर का टॉर्क, जो कि कहीं ना कहीं आप लोगों अगर आप RC125 और Duke 125 से कंपेयर करो तो आपको थोड़ा सा ज़्यादा लग सकता है। यहाँ पर अगर लुक्स की बात की जाए कि बाइक का लुक कैसा होने वाला है, तो जो ये बाइक है वो पूरी तरीके से इंस्पायर है Aprilia की सुपर बाइक ट्वानो V4 से। लाइक अगर आपकी R1 है और R15 V3 की जो सुपर बाइक है उससे इंस्पायर R15 V3 है, तो उसी तरीके से ये बाइक भी एक सुपर बाइक से इंस्पायर होने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात है, क्योंकि Aprilia को ओन करना भी एक अपने खुद में एक अच्छी, मतलब अच्छा फील दिलाता है जब आप Aprilia की बाइक चलाओगे। तो अब बात करते हैं एडिशनल फीचर्स की। अगर बात की जाए तो आप लोगों को LED टेल लाइट मिलने वाली है, हैलोजन बल्ब्स मिलने वाले हैं, जो कि थोड़ा सा डिसअपॉइंट है, बट यहाँ कहीं ना कहीं तो कॉस्ट कटिंग करेगी यार Aprilia, ठीक है। फुल्ली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलने वाला है, डुअल चैनल ABS मिलेगा, 14 लीटर का फ्यूल टैंक, 5 स्पीड गियरबॉक्स मिलने वाला है। यहाँ पर अगर आप लोग बात करो सस्पेंशन की, तो सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे होने वाले हैं। USD4 का आप लोगों को फ्रंट में मिलने वाला है और मोनोशॉक एब्जॉर्बर रियर में। यहाँ पे कलर्स ऑप्शंस की बात की जाए तो आप लोगों को रेड, येलो, ब्लैक, ग्रे, ये 4 कलर कॉम्बिनेशन मिलने वाले हैं। आप लोग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप लोगों का 4 में से कौन सा कलर आप लोग लेना पसंद करोगे। यहाँ पे अगर माइलेज की बात की जाए तो इंडियन लोगों को तो आप जानते ही हो कि यार माइलेज सबसे ज़्यादा बड़ा इशू रहता है। अगर कोई भी बाइक लेना चाहते हैं तो बजट और उसके बाद माइलेज, तो यहाँ पे बात करते हैं माइलेज की। तो आप लोगों को अराउंड 30 से 35 के आसपास का माइलेज मिल जाएगा इस बाइक से, जो कि एक्सपेक्टेड किया जा रहा है, और बाकी आपके चलाने के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप कैसे तरीके से चलाते हो, एग्रेसिव बाइक चलाते हो या नॉर्मल चलाते हो, तो उस हिसाब से भी डिपेंड करता है आपकी माइलेज। यहाँ पे बात कर लेते हैं लॉन्च डेट और ये बाइक का प्राइस। तो यहाँ पे प्राइस अगर मैं आप लोगों को बता दूँ तो अभी तक प्राइस खुल के कुछ सामने नहीं आया है, बट 120,000 से लेके 130,000 का एक्सपेक्टेशन है कि इतने में आप लोगों को ज़्यादा महंगी हो जाएगी, कॉस्टली हो जाएगी। अगर बात करें लॉन्च डेट की, तो लॉन्च डेट ये बाइक मिड तक लॉन्च हो सकती है, तो मिड से थोड़ा बहुत आगे हो सकती है। बात करें अगर इस बाइक को कंपैरिजन करवाना चाहो अगर आप लोग RC 125 से, चाहे Duke 125, तो आप लोग मुझे कमेंट कर सकते हो, मैं उस पर वीडियो बना दूंगा। और आप लोग अपना ओपिनियन ज़रूर देना कि आप लोगों को क्या लगता है कि Aprilia Tuono 125 ज़्यादा बेटर है, ज़्यादा अच्छी है, या फिर उन लोगों को 150 cc में ही कोई बाइक नहीं करानी चाहिए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा सब्सक्राइबर हैं वो कमेंट करते हैं कि RS Aprilia की है 150 वो कब आ रही है, चाहे 125 कब आ रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कंपनी को यार 125 को छोड़कर 150 cc में कुछ देखना चाहिए, जिससे कि लोग भी अट्रैक्ट होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, होगा तो वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और आपको किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो देना कमेंट करना।